Hello young physics learner, welcome back to my class. This is class 12th physics and we are going to discuss this last chapter, chapter number 8 of NCERT first book, Electromagnetic Wave. The number for this chapter is only 3. 3 marks ka ye chapter aata hai board examination mein. Isiliye is chapter ko ignore kiya jata hai. Generally ye chapter क्या किया जाता है कि आप स्किप कर देते हो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से. बट रिमेंबर दिस दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ द नेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी सेकेंड बुक ऑफ क्लास 12th फिजिक्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज वेल एज दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. वाई? बिकॉज इट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. जब आप लाइट के बारे में पढ़ोगे तो लाइट कहाँ क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इतना पता होता है सारे बच्चों को, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में होती क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, हम एज ए ह्यूमन हम इसे किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ऑल दीज आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. ये क्लास 12th में बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है ये 12th फिजिक्स का. बट रिमेंबर दिस, जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो यही चैप्टर आपका बहुत ब्रॉड लेवल पे दिया हुआ है. बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो मॉडर्न फिजिक्स का बेस हैं, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं. पहले आएगा मॉडर्न फिजिक्स, देन आएगा उसके बाद क्वांटम फिजिक्स. तो क्वांटम फिजिक्स का बेस है. अगर बच्चे फिजिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो नो डाउट उन्हें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए. और अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो. तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेम है इस चैप्टर का, यानी वेव के ओरिजिनेशन में कौन कौन से टॉपिक कवर अप होते हैं. सबसे पहले आता है मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट करंट, देन ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में हम पूरी रेंज पढ़ेंगे कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्युनिकेशन में यूज़ होती है. आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, रेडियो सिग्नल्स यूज़ कर रहे हो, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हो, एफएम रेडियो यूज़ कर रहे हो, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन का बेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आगे की क्लासेस के लिए. हाँ, जो बच्चे सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जिनको फिजिक्स में एज सच बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, दे कैन स्किप दिस चैप्टर. इट इज़ ऑफ ओनली 3 मार्क्स, सो they can skip this chapter. But those who are interested in this chapter, those who want something based on this physics discoveries and invention, then but definitely you must have to go through with this chapter too, and you have sufficient time to get the concept of this chapter. Clear? So chalo start karte hain. Maxwell equation, sabse pehle jo introduction hai. तो मैक्सवेल इक्वेशन आई कहाँ से? पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स इज़ इंटरलिंक्ड टॉपिक्स. एवरी टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड. आप कोई भी एक टॉपिक स्किप करोगे, कोई एक चैप्टर स्किप करोगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होकर के ऑल्टरनेटिंग करेंट तक आप गए हो, 7 चैप्टर्स कवर अप हुए हैं. सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें हैं. प्लेलिस्ट मैंने हर एक चैप्टर की बना करके रखी है, आप उसको देख सकते हो और आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है. पर अब है क्या कि अगर आप इन सारे चैप्टर्स में देखो तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिक्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में, ऑल्टरनेटिंग करंट, इट इज़ अ टाइम वेरिंग करंट, ये सारा आप पढ़ चुके हो, ठीक है. तो मैक्सवेल ने आइडेंटिफाई किया कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? देयर आर टू सोर्स, या तो मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, या तो करंट कैरिंग वायर है जिसको ऑर्स्टेड ने बताया था. तो जो लॉज हैं एक्चुअल में, उन लॉज को कंपाइल किया गया किसके थ्रू? मैक्सवेल के थ्रू. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि करंट टाइम वेरिंग हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. ऑर्स्टेड कहते हैं अ करंट कैरिंग वायर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए करंट कैरिंग वायर इज ऑल्सो अ सोर्स एक्सेप्ट द मैग्नेट. मैग्नेट तो आपको बेसिकली पता ही है कि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन उसके अलावा कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है? दैट सोर्स इज अ करंट. यू कैन से इट एज अ मूविंग चार्ज, ठीक है. तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आते हो, नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया था जिसमें फेराडे ने बताया ये कि अगर
एक करंट यानी एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, तो एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को चेंज कराया जाए, इंक्रीज या डिक्रीज कराया जाए, तो क्या होगा? तो करंट जनरेट हो जाएगी, दैट करंट इज इंड्यूस्ड करंट। तो ओवरऑल इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर मिला दिया जाए, ऑर्स्टेड का और फैराडे का, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है जो मैक्सवेल ने आइडेंटिफाई किया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे आपका इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, यानी ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो मैक्सवेल ने इन दोनों को यूनिफाइड कर दिया, यानी यूनिफिकेशन ऑफ दीज टू लॉज। विच लॉज? दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस लॉ इज ऑर्स्टेड, दिस इज ऑर्स्टेड लॉ, एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फैराडे लॉ। यानी आप ये देख लो कि आपने पहले के जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर्स को कंपाइल करके एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है? मैक्सवेल ने क्या किया है, सबको थॉरली स्टडी किया और उसको कंबाइन किया। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ओरिजिनेशन कहाँ से हो रही है, एक दूसरे से ही हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकती है, बोथ आर ओरिजिनेटेड विद ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज़? तो मैक्सवेल ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो लॉज और मैग्नेटिक फील्ड के दो लॉज, इन टोटल फोर लॉज को कंबाइन करके अपनी एक इक्वेशन बनाई, जिसे मैक्सवेल इक्वेशन किया गया कहा गया, ठीक है? वो इक्वेशन क्यों बनाई, इनको कंपाइल क्यों करना था, इनको देखना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर कितनी डिपेंडेंट हैं। और यही जो कंपाइल हुए, यूनिफाइड हुए ये फोर इक्वेशंस मैक्सवेल के थ्रू, इसी यूनिफिकेशन से आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज़ ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक साइंटिस्ट तो आपने सुन लिया कि मैक्सवेल हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो लॉज और मैग्नेटिक फील्ड के दो लॉज को कंपाइल कर दिया, क्लियर है? उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जिसको हम हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज आपने सुना होगा, दिस इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप क्या कहते हो, 50 हर्ट्ज इन इंडिया इन इलेक्ट्रिसिटी। तो 50 हर्ट्ज से, हर्ट्ज कहाँ से आया, बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हर्ट्ज, ठीक है? हर्ट्ज ने ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जनरेट किया, मीन्स ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कंबाइंड होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं, क्लियर है? अब ये तो हर्ट्ज ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती किस तरीके से है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के अंडर में है। इसके बाद मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी ने क्या बताया प्रॉपर्टी कि हाउ कैन वी यूज़ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे कोई चीज़ एक जनरेट हो रही है, जैसे समझ लो वाटर को हम कंबाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जनरेट तो हो रही है, उसको थ्रो कितनी दूर तक किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन वो जनरेट होने के बाद हम उसको कितनी दूर फेंके, आपने देखा है ना मूवीज़ देखो तो, कौन सी है, एविएटर वाली मूवीज़ हैं और भी बहुत सारी बच्चों की मूवीज़ आती हैं, उसमें क्या करते हैं, स्पाइडरमैन भी मूवीज़ है जिसमें जो विलेंस होते हैं उसमें आपने देखा होगा, ऐसे एनर्जी कंपाइल करते हैं और ऐसे थ्रो कर देते हैं, ठीक है, बहुत कार्टून टाइप की मूवीज़ होती हैं। तो उन मूवीज़ में क्या दिखा रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी कंबाइंड हो रही है, उसको थ्रो करने के लिए एक रेंज चाहिए, ठीक है? वो रेंज कैसे आ रही है, उस रेंज के बारे में आइडेंटिफाई किया था मार्कोनी ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जनरेट हो गई, ये दिस इज़ अ बॉल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे यहाँ पे हम ओरिजिनेट कर लेंगे। एक्चुअल में नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन, तब तक हमें सिर्फ लाइट वेव पता थी कि लाइट वेव इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पर उसके अलावा और कोई वेव्स होती हैं जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, आईआर रेज, गामा रे, एक्स रे, ये सारी वेव्स हमें नहीं पता थी, ठीक है? तो उनकी ये जो वेव जनरेट, मैंने मैनुअली जो वेव जनरेट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट, उस वेव को कितनी दूर थ्रो किया जा सकता है ताकि उस वेव के थ्रू हम किसी भी सिग्नल्स को, चाहे वो साउंड सिग्नल हो या लाइट सिग्नल हो, हम उसको एक प्लेस से, सोर्स से, आप रिसीविंग एंड तक किस तरीके से थ्रो कर दोगे।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये मैरकोनी ने किया था. तो आई टोल्ड अबाउट थ्री साइंटिस्ट. वन इज मैक्सवेल, लिख लो अच्छे से इसे. एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, सेकेंड हैं हर्ट्ज और थर्ड हैं मैरकोनी. इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं ने समझ लो एक तरीके से ओरिजिन किया है मॉडर्न फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स को. मैक्सवेल ने यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको भी साथ में लिख देती हूँ मैं, दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज़ को डिस्कवर किया, ऑलरेडी प्रेजेंट ही डिस्कवर किया है. ठीक है. हर्ट्ज, इन्होंने ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये डिस्कवर किया. ऑलरेडी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको डिस्कवर किया. थर्ड इज मैरकोनी, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कम्युनिकेशन. ठीक है, लिख लो इसे, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये थ्री साइंटिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पता होने चाहिए. सो फर्स्ट वन इज़ मैक्सवेल, सेकेंड इज़ हर्ट्ज, थर्ड इज़ मैरकोनी. ये बहुत ही एडवांस फॉर्म पहुँच रही है धीरे धीरे. ठीक है, और ये जो आपको बताया जा रहा है दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल प्रेजेंट है आगे की क्लासेस में. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बेसिक को अच्छे से समझोगे तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि जनरली ये चैप्टर नहीं समझ में आता है. What is AM? What is PM? What is FM? FM, मैं कई बार FM वर्ड मैंने यूज़ किया कि LC सर्किट जो है एज ए रेडियो ट्यूनिंग सर्किट यूज़ होता है, जैसे FM रेडियो. What is FM? What is the full form of FM? That is frequency modulation. FM means what? Frequency modulation. AM means what? Amplitude modulation. PM means what? Pulse modulation. तो ये थ्री टाइप के मॉड्यूलेशन है. अब ये कब पढ़ोगे जब आपको ये समझ में आ रहा होगा तब. तो बहुत अच्छी, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक कैरियर वेव की तरह यूज़ होती हैं. आपने मोबाइल से एक हेलो बोला, वो हेलो कितनी क्विकली स्पीड ऑफ लाइट से, विच इज़ द मैक्सिमम स्पीड इन यूनिवर्स, उस स्पीड से रिसीविंग एंड तक तुरंत पहुँच जा रही है. तो क्यों पहुँच जा रही है? क्योंकि वो सिग्नल्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रैप हुए हैं. जो आपने एक हेलो बोला था वो साउंड सिग्नल था, साउंड सिग्नल रैप हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और वो रैप होकर के पहुँच गया रिसीविंग एंड तक. और वहाँ पे कैरियर वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे आर कॉल्ड कैरियर वेव्स. कैरियर वेव हट जाती हैं और सिग्नल सिर्फ पहुँचता है कहाँ पर, इस मोबाइल में, रिसीविंग एंड में. अगर साथ में कैरियर वेव होंगी तो आपको साउंड सिग्नल सुनाई नहीं देगा. क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो आपको सिग्नल बिल्कुल नहीं सुनाई देगा. तो कैरियर वेव हट जाती हैं और सीधे के सीधे सिग्नल कहाँ पहुँच जाता है? रिसीविंग एंड तक, यानी रिसीवर के मोबाइल तक पहुँच जाता है और रिसीवर को सुनाई देता है. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जिसमें आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, मॉड्यूलेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा. मॉडेम आप सुनते हो, मॉडेम इज़ वॉट? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इज़ द बेस ऑफ कम्युनिकेशन. और वो किस तरीके से हो रहा होता है? दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कैरियर वेव्स, कम्युनिकेशन वेव जिसे हम कह सकते हैं, कैरियर वेव्स एंड द सिग्नल. सिग्नल्स आर मे बी ऑफ द कैटेगरी ऑफ साउंड सिग्नल, मे बी ऑफ द विजुअल दैट इज़ लाइट सिग्नल, मे बी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. टेलीविज़न में पिक्चर भी आ रही होती है, साउंड भी आ रही होती, दैट मीन्स उसमें दोनों सिग्नल्स हैं, साउंड सिग्नल एज वेल एज पिक्चर सिग्नल. जो FM रेडियो है उसमें सिर्फ साउंड सिग्नल होते हैं, उसमें पिक्चर सिग्नल नहीं होता. ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में, आप पढ़ क्यों रहे हो ये, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर, गेटिंग माई पॉइंट. इसका एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे आप कैरियर वेव को इस तरीके से ले लो कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, डोमिनोज से आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. ठीक है, या कुछ भी फूड आइटम आप ऑर्डर करते हो, तो फूड आइटम ऐसा तो नहीं है आपने जो फूड ऑर्डर किया वो हाथ में लेकर के चले आ रहे हैं या प्लेट में लेकर चले आ रहे हैं, उसको प्रॉपरली रैप किया जाता है. किस में? इन अ बॉक्स. तो वो रैप जो किया जाता है दैट इज़ अ कैरियर वेव. ठीक है, कैरियर वेव के अंदर सिग्नल को पूरा रैप करके अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो सिग्नल लूज ना हो, उस सिग्नल का लॉस ना हो. ठीक है, अब वो सिग्नल जब रैप हो जाता है प्रॉपरली और कैरियर वेव उसको ले जाती हैं स्पीड ऑफ लाइट से और वो पहुंचती कहाँ पर है? रिसीविंग एंड पे. वहाँ पे कैरियर वेव खोल दी जाती हैं. जैसे आप घर में पिज़्ज़ा आएगा तो आप पहले बॉक्स खोलोगे और फिर वो पिज़्ज़ा निकाल के खाओगे. ठीक है, तो द सेम मैथड इज़ अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन. कैरियर वेव पहले सिग्नल्स को रैप करती हैं, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन,
उसके बाद वो जाता है रिसीविंग एंड तक, रिसीविंग एंड में कैरियर वेव हट जाती हैं, यानी आपका डीमॉड्यूलेशन हो गया और सिग्नल मिल जाता है. सो दैट इज़ द कम्युनिकेशन. ओके, सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो दिस इज़ कम्युनिकेशन. एंड जो ये कम्युनिकेशन है ये मार्कोनी ने डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी के बाद. हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हर्ट्ज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हु हैव डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैक्सवेल. ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, इन्होंने सारे बेसिक लॉज को ही यूज़ किया है, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर ये यूनिफाइड नहीं हुए होते तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो नहीं आ पाता. और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड हो गए, मर्ज हो गए एक दूसरे से, और इसको आपको समझना है तो इसी मेथड से समझना होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये किस तरीके से हो रहा है सारा कम्युनिकेशन का मेथड? ओके, तो अब हम आ जाते हैं मैक्सवेल में. इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो, मैक्सवेल ने, मैंने आपको जैसे बताया कि मैक्सवेल ने दो लॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और दो लॉज मैग्नेटोस्टैटिक्स के यूज़ किए. टू लॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक के और टू लॉज मैग्नेटोस्टैटिक्स के, और टोटल फोर इक्वेशंस बनाई. वो फोर इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है. दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट इज़ मैक्सवेल इक्वेशन. तो अब आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन पर. सबसे पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ लिया गया था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, फर्स्ट लॉ. सेकंड लिया गया गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक. ठीक है, थर्ड लिया गया एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लूप लॉ. पूरा लॉ इस तरीके से ही है, सर्किटल लूप लॉ. एंड द फोर्थ वन इज फैराडे लॉ. ईएमआई चैप्टर का तो देख लिया आपने कि अगर आपने पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, इसलिए पहले के चैप्टर पढ़ने होने डेफिनेटली रिक्वायर्ड हैं. आप जाओ चैनल पे, देखो और प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करो. देखो, हरी में नहीं जाना है, मार्क्स गेन करना एक टारगेट है, बट मार्क्स गेन करना टारगेट तब आता है जब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में प्रिपरेशन शुरू हो रही होती है, लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स. ठीक है, दिसंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर, जनवरी एंड फेब में आपके प्रैक्टिकल, जनवरी में ही प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं. इस बार होंगे कि नहीं, दैट इज़ नॉट डायरेक्टेड बाई द CBSE बोर्ड एंड एज वेल एज स्टेट बोर्ड, लेकिन हाँ कुछ तो करेंगे ही. तो यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं वो पिछले चैप्टर से लिंक्ड है. तो अभी आपके पास अक्टूबर और नवंबर, ये दो मंथ हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर चैप्टर अभी तक अच्छे से नहीं समझ में आया तो उसको अच्छे से समझ लो. समझ में आएंगे तो फिर आगे के चैप्टर, जो सेकंड बुक है वो कंपेरेटिवली इजी की हो जाती है क्योंकि उसमें चैप्टर आपस में इंटरलिंक नहीं है. अगर ऑप्टिक्स के दो चैप्टर हैं तो वो ऑप्टिक्स के दो चैप्टर ही हैं. वो थर्ड मीन्स आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उससे लिंक कहीं नहीं है. अब ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आएगा तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा. वो भी क्या है कि उसमें भी आपका क्या है, पूरा डिफरेंट चैप्टर है. उसके लिए आपको ऑप्टिक्स क्लियर होना ज़रूरी नहीं है. तो एवरी चैप्टर्स आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, तो वो ईजी हो जाता है आपको टॉपिक पढ़ने, चैप्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टॉपिक्स. क्लियर, तो वो बुक, सेकेंड बुक ईजी है. बट फर्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले पहले के सारे चैप्टर पढ़े हुए होने चाहिए. तो इसलिए आप लोग एक बार को अच्छे से रिवाइज कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करके और आपका लास्ट AC तक. बहुत कम टाइम रह गया है,
ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो फिजिक्स तो आपको अब 4 आवर्स करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक रिवाइज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ जिन्होंने रिवाइज़ कर लिया है वो 2 आवर स्टडी सफिशेंट है फिज़िक्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए और फिज़िक्स का सिलेबस कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड बुक डज़ नॉट टेक एनी मच मोर टाइम। जो टाइम लगा फर्स्ट बुक में लगा, सेकेंड बुक में कोई टाइम नहीं लगना है। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो चलो हम लॉस को जो इक्वेशंस थी वो इक्वेशन बना लेते हैं। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यही था, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, पढ़ा था आपने। ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल जो होता है किसी भी, इसको हम फ्लक्स कहते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल जो आ रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। ओके, नेक्स्ट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटिक फील्ड्स आर द क्लोज लूप, ये प्रूफ होता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक से, दैट इज बी डॉट डी एस दैट शुड बी इक्वल टू 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज्ड लूप बना रही होती हैं, ओपन लूप नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ओपन होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ओपन नहीं होती, ये ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं तो ओरिजिन पे एंड होती हैं। सो दैट इज़ द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। सिंपल है, पहला क्या है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, इसका स्टेटमेंट आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक जो आपने पढ़ा था मैग्नेटोस्टैटिक्स चैप्टर में, यानी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जा था स्टार्ट हुआ था वो है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल होता है क्योंकि डीएस लगा है, जो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का होता है बी डॉट डी एल, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इस चैप्टर में, दैट मीन्स ऑर्स्टेड प्रिंसिपल जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक स्टार्ट हुए हैं, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें एम्पियर्स लूप है। एम्पियर्स लूप एक बायो सेवर्ट लॉ के बाद आया था, बायो सेवर्ट लॉ में एप्लीकेशंस की गई थी एक स्ट्रेट वायर की, ठीक है, और एक सर्कुलर लूप की। उसके बाद सोलेनाइड का केस और टोराइड का केस सॉल्व करने के लिए एम्पियर सर्किटल लूप यूज़ हुआ था। तो ये आपकी इक्वेशन आई थी उसमें बी डॉट डी एल की, विच इज इन द स्टेटमेंट फॉर्म वी कैन से द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप, दैट क्लोज लूप इज एम्पियर्स लूप कोरस्पॉन्डिंग टू दिस गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, करंट कोरस्पॉन्डिंग टू दैट लूप, जो करंट फ्लो कर रही है उस लूप के थ्रू, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट इक्वेट होता है करंट से। ठीक है, बाई दिस रिलेशन। सो दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, नेक्स्ट है फैराडे लॉ, द ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका स्टेटमेंट क्या था? दैट इज़ आप इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ, पहले क्या था दैट EMF इंड्यूस्ड EMF जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू d∅/dt विद माइनस साइन, यही पढ़ा था आपने। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, ये पढ़ा है आपने। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं इस लॉ को, आप ये देखो। तो दिस वन जो फाई है उसको बी डॉट डी एस कहा जाता है, कहा जाता है। आप फाई को इस फॉर्म में लेंगे तो e dt आ जाएगा, और ई है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है? माइनस ऑफ dv/dx या dl हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहो। यहाँ पर क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द लेंथ, जो दो सरफेस लेते हैं जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये है दैट शुड बी इक्वल टू edl, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जब फैराडे लॉ लिखते हो तो इस फॉर्म में लिखते हो, बिकॉज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कोरस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज कोरस्पॉन्डिंग टू edl, सो वी कैन राइट इट एज e.dl क्लोज इंटीग्रल, दैट शुड बी इक्वल टू, सब में क्लोज इंटीग्रल है, रिमेंबर दिस। क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है क्लोज लूप, एंड दैट शुड बी इक्वल टू d∅/dt। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन बनी जो जिनको हमें कहा गया, जिनको नेमिंग की गई, क्या की गई? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेम कहाँ से आया?
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनी है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि आपको ये सारे के सारे इक्वेशंस रिकॉल हो गई, ये सब दी हुई थी ऑलरेडी। अच्छा, मैक्सवेल ने इन इक्वेशंस को थोड़ा सा बहुत अच्छे से स्टडी किया, तो उस स्टडी में एक कहीं लूप होल निकला, कहीं एक फॉल्ट निकला। क्या फॉल्ट था? सबसे पहले तो ये बिल्कुल करेक्ट थी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल करेक्ट कि ऐसा होना चाहिए, कहीं भी कोई लूप होल नहीं है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक ये भी करेक्ट कि हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सर्कुलर लूप में होती हैं, दे कैन नॉट बी ओपन। क्या कहते हो आप हमेशा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं, साउथ पोल तक जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, फिर साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, दे आर क्लोज्ड कर्व, दे कैन नॉट बी ओपन। तो वो इस लॉ से आइडेंटिफाई होता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से। देन ये एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा इनको डाउट आया। एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर, यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब करी थोड़ा सा, कि ये एक लूप है, कोई एक वायर है, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट हमेशा क्या होती है? सरफेस के थ्रू फ्लो कर रही होती है, इनसाइड द वायर नहीं होती है, पता है ना ये चीज़। जो करंट होती है वो वॉल्यूम के अंदर नहीं फ्लो कर रही होती है, करंट हमेशा जो पैरीमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, उसके थ्रू फ्लो कर रही होती है। तो ये करंट फ्लो कर रही है, जो मैंने एरो दिखाया, दीज आर द करंट। तो बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड प्रिंसिपल दिस करंट कैरिंग वायर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर आएगी? इस लूप में आएगी, ये लूप में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और राइट हैंड थंब रूल हम लगाते हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में, दिस इज माय राइट हैंड में दिस वन इज़ द करंट डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुड बी दिस वन, ये आ रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अगर इसको सामने इस तरीके से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉक के बेसिस पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, सो दिस वन इज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। गॉट माई पॉइंट? इसको मैं डिफरेंट कलर्स से बना देती हूँ। दिस वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो एम्पियर्स लॉ था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो इस सर्कुलर लूप में टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट पे? दिस वन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। तो दिस वन इज गिवन बाय बी डॉट डी एल, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। गॉट माई पॉइंट? तो ये जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर ये फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट यूज़ होगा, अगर फ्री स्पेस नहीं होता तो म्यू यूज़ होता। तो ये कंडक्टर, जो भी मटेरियल यूज़ किया गया होगा, उसका अगर परमेबिलिटी है तो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू टाइम्स ऑफ आई। क्लियर? तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि ये बाकी कंडक्टिंग वायर में तो करेक्ट है, लेकिन व्हाट अबाउट द केस ऑफ द कैपेसिटर? चलो उसको डिस्क्राइब करती हूँ। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी बेस्ड टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करेंट। So we are now in the topic displacement current. Okay, देखो ये जो concept amperes का था, इस amperes के concept को अगर हम conducting wire में लगा रहे तो it is correct one. But if we are using this same concept here in the case of the capacitor, ऐसे ही होता है ना capacitor, ये दो टर्मिनल बना दिए, ए टर्मिनल एंड दिस वन इज़ बी टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है, बी टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज है, ए टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर है? ठीक है, तो जो ये कैपेसिटर है, ये वायर से जुड़ा है, यहाँ तक तो करंट है म्यू नॉट आई, और यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनेशन है। इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर खाली कहीं ऐसा होता है, करंट इज़ अ फ्लोइंग एनर्जी। करंट होती क्या है? फ्लोइंग एनर्जी, ठीक है। पानी जा रहा है, पानी भी फ्लोइंग होता है, ठीक है। अगर पानी जा रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो कभी आपने देखा है कि बीच में पूरा गैप हो जाए? दिखाया गया है किस में, आई थिंक रामायण के टाइम पे दिखाया गया था, ठीक है। रामायण के टाइम पे ये दिखाया गया, रामायण में दिखाया गया कि जब राम जी समुद्र पार कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि समुद्र पार करने दिया नहीं जा रहा था, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया जाए, श्रीलंका तक पहुंचा जाए। तो
ये उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के ये कहा कि मैं पानी सुखा दूंगा, मैं बाढ़ मार दूंगा, ठीक है, और पानी पूरा सूख जाएगा। यानी यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पूरा सूख गया, ये हमने रास्ता बना दिया और यहाँ से पानी निकल जाएगा। ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? चलो, उनके पास डिवाइन पावर थी, ठीक है। बट अगर हम ऐसा सोचें कि पानी इधर से फ्लो कर रहा है और इधर बीच में रुक गया और यहाँ पे फ्लो कर गया, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हम तो अपनी अगर माइंड से पूरा कॉन्सेप्ट सोचेंगे तो हमें तो ये समझ में नहीं आएगा। उनके पास डिवाइन पावर थी, हो सकता है कि वो पावर अभी हमें रिकॉग्नाइज नहीं होती। वी कांट से, साइंस डोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट यस, वी बिलीव ऑन दैट एपिक स्टोरीज एज वेल, एंड वी बिलीव ऑन साइंस टू। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो सेम उसी तरीके की कॉन्सेप्ट आप समझ लो इस केस में भी लग रही है कि यहाँ से करंट का फ्लो आ रहा है, यहाँ रुक गया और यहाँ से फिर से फ्लो हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऐसा पॉसिबल मैक्सवेल को नहीं लगा, मैक्सवेल तो इंडियन थे नहीं, उनको तो रामायण की स्टोरी पे बिलीव नहीं होगा, तो ऐसा मैक्सवेल को नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। मैक्सवेल ने कहा दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, यहाँ बीच में करंट ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बीच में करंट है, कौन सी करंट है, जो बिना वायर के फ्लो कर सकती है। करंट को फ्लो करने के लिए कंडक्टर बॉडी चाहिए, लेकिन बीच में जो यहाँ पे ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में कोई भी आपको पता है कि यहाँ बीच में कोई भी वायर नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, डायलैक्ट्रिक प्लेस किया जाता है, या तो एयर होती है इसके बीच में या तो डायलैक्ट्रिक प्लेस किया जाता है। देखो, बीच बीच में से वीडियो मत देखना, समझ में नहीं आने वाला। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डीप कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगर बीच से देखोगे तो आधा इधर का रह जाएगा, आधा उधर का, वही बीच वाला गैप आ जाएगा, होल, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ वो समझ लो कि ये बीच में डायलैक्ट्रिक है, दिस वन इज़ डायलैक्ट्रिक। वो डायलैक्ट्रिक चाहे एयर हो सकता है या कोई मीडियम हो सकता है। डायलैक्ट्रिक इज़ नॉट ए कंडक्टर बॉडी, आपने पढ़ा है, इट इज़ बेसिकली पोलर एंड नॉन पोलर मटेरियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे डायलैक्ट्रिक है तो ये क्या डायलैक्ट्रिक करंट को रोक देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आगे करंट कैसे आई, यहाँ इस साइड में करंट कैसे आई। इस साइड में करंट इसलिए आई क्योंकि बीच में उसने करंट रोकी नहीं है, यहाँ पे कुछ है स्पेसिफिक करंट जिसको करंट कंडक्टिंग वायर की ज़रूरत नहीं होती, एक ऐसी करंट जो सिर्फ और सिर्फ डायलैक्ट्रिक मीडियम के थ्रू या एयर में या विदाउट एनी कंडक्टिंग वायर फ्लो कर सकती है, क्लियर। एंड दैट करंट इज़ कॉल्ड, जो इस स्पेस के बीच में होगी, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो जो एम्पियर्स का जो ये थर्ड लॉ जो मैक्सवेल का है, थर्ड इक्वेशन, ये अच्छा ये चीज़ भी मैं बता दूँ, मैक्सवेल इक्वेशन इसी सीक्वेंस में होती हैं। थर्ड इक्वेशन मीन्स एम्पियर्स इक्वेशन, नॉट द गॉस लॉ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, फर्स्ट इक्वेशन इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड द फोर्थ इक्वेशन इज फैराडे लॉ। ये एक सीक्वेंस है। अगर आपसे एक आ जाए व्हाट इज द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, इट इज एम्पियर सर्किट लॉ। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस सही यही रहेगा, दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन जो थी मैक्सवेल की, इसमें जो कॉन्सेप्ट था बी डॉट डी एल का, म्यू नॉट आई का, वो कैपेसिटर में अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। ये जो आई है ये कन्वेंशनल करंट है जो वायर में फ्लो कर रही है, ओके। उस करंट को तो एम्पियर्स ने यूज़ ही नहीं किया जो कि बीच के स्पेस में थी। तो ये कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने इस थर्ड इक्वेशन को करेक्ट करने में लेकर के आए कि दैट करंट शुड बी डिस्प्लेसमेंट करंट, द नेम ऑफ दैट करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट रिप्रेजेंटेड बाई आई डी। सो देयर मस्ट बी वन मोर करेंट विच इज़ इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, गॉट माई पॉइंट, एंड विच डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ कंडक्टिंग वायर, विच डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल, विच नीड ओनली द डायलैक्ट्रिक मीडियम और द फ्री स्पेस विच कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस, गॉट माई पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आया, यानी एम्पियर्स सर्किट लूप में इन्होंने एक एडिशन किया, वो मैं ब्लैक से यहाँ कर रही हूँ, दैट इज़ म्यू आई। अब यहाँ पर ये म्यू कौन आएगा, तो आपको यहाँ पे म्यू करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल है, एंड दिस वन इज म्यू आई डी। दिस इज आई विच इज़ अ कन्वेंशनल करेंट विच फ्लोज इन द कंडक्टिंग वायर, और एक और एडिशनल करेंट है जो कि आई डी है, आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट, एंड म्यू इज़ द मटेरियल विच इज़ यूज इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। यानी
आप ये नहीं कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ जनरेट हो रही है और यहाँ जनरेट हो रही है। एम्पियर्स लॉ यही कह रहा है ना कि करंट जहाँ होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस वायर में, इस वायर के अक्रॉस या इस वायर के अक्रॉस नहीं जनरेट हो रही है खाली, वो बीच में भी जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग करंट है दिस आई डी, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। आया बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में? क्लियर हुआ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट हियर? तो ये तब लगेगा जब कैपेसिटर की सिचुएशन आएगी। अगर कैपेसिटर नहीं है तो एम्पियर सर्किट लूप इज़ अ करेक्ट लॉ, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लूप उस केस में अप्लाई होता है जहाँ पर दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में गैप आ जा रहा है। अगर नॉर्मल कंडक्टिंग वायर है देयर शुड नो एप्लीकेशन ऑफ दिस आई डी डिस्प्लेसमेंट करेंट। ओके, अब मैं रब कर दे रही हूँ, ये इक्वेशन को रब नहीं करूँगी बिकॉज इक्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। जिस डिस्प्लेसमेंट करेंट का हमें फॉर्मूला निकालना है वो हम निकालने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो तो डिस्प्लेसमेंट करेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। यहाँ पे करंट होती है ना, कैपेसिटर का केस जो लिया, तो करंट जो होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो वो फ्लक्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू, चलो इंटीग्रल कर दे रहे, क्लोज इंटीग्रल, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देख लो, ये कैपेसिटर प्लेट है, ये ए पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट और बी टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट इज़ नेगेटिवली चार्ज। जो चार्ज यहाँ पर होते हैं, पोलराइज, कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, डायलेक्ट्रिक का पोलर एंड नॉन पोलर, पोलराइजेशन चार्जेस क्या होते हैं, वो देख लेना आपका टॉपिक कैपेसिटर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में दिया हुआ है। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी या आप मेरे चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट में डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग वाइज दिया हुआ है एवरीथिंग। सो हियर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो हमने यहाँ पर ले लिए चार्जेस। पता ही है दोनों प्लेट में चार्जेस इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स है, जो अंदर का फ्लक्स है यहाँ प्लेट के बीच में, उस फ्लक्स की वैल्यू हमने फाई रखी क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ से यहाँ तक की होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल, यानी प्लस प्लेट से माइनस प्लेट तक मूव करेगी। यहाँ तक की कौन सी करंट है, कन्वेंशनल करंट, दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट जो वायर में फ्लो कर रही होती है। और ये कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो बीच के कैपेसिटर प्लेट के बीच के गैप में फ्लो करेगी, ठीक है। आईडी, अब ये वैल्यू आ गई फाई की वैल्यू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो यहाँ पर जो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आया, देन फाई इज इक्वल टू आपने ई की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम इसको इस इंटीग्रेशन को खोलें तो ये हो जाएगा ई डॉट ए या ई ए हम लिख सकते हैं इसे, ई ए यानी डॉट की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस जीरो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ई की वैल्यू फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है, ये भी आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कि पिछला कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। ओ मैंने रब कर दिया, ये रब नहीं होना है अभी। तो ई की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर पैरेलल प्लेट होती है मल्टीप्लाइड बाई ए, दैट इज़ इक्वल टू फाई, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज इक्वल टू फाई, या आप एस सच क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए, और इधर आपका फाई है, ठीक है, क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया फाई, ठीक है, ए और ए कैंसिल हो गया। अब ये तो आपका रिजल्ट यही सेम आ गया, मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया था। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग्स में ही वेरी कर रही है ना करंट, यहाँ पर आपने क्या किया, डी फाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द डी क्यू बाई डी टी। वॉट इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज आई, कौन सी आई हम निकाल रहे हैं, दैट इज आई डी डिस्प्लेसमेंट करेंट निकाल रहे हैं, तो दैट शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर डायलेक्ट्रिक एयर नहीं है, यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक है वो एयर मीडियम भी हम यूज़ करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर कोई मीडियम है तो हमें एप्सिलॉन यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस आई डी, इस इक्वेशन से निकाल रहे हो आप दिस आई डी, डी क्यू बाई डी टी को आपने क्या लिख दिया, आई डी, और एप्सिलॉन इस साइड जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी फाई बाई डी टी।
तो ये वैल्यू आ जाती है डिस्प्लेसमेंट करेंट की, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। डी फाई क्या है? फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ई मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होते हैं। तो डी फाई ई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो आपको इस फॉर्मूले में वो आप वैल्यू पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट, ठीक है। सो दैट इज़ द रिजल्ट फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करेंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके बेसिस पर, वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगी कुछ न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये जितना टॉपिक आज मैंने बताया है वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ करना होगा बाई वॉचिंग द वीडियो, एंड यू कैन मेक नोट्स वॉट एवर आई एम सेइंग, यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दैट साइड एज आई विल प्रोवाइड द नोट। सो थैंक यू फॉर टुडे, नेक्स्ट आई विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट करेंट ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगेन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। सो रिवाइज एंड फॉलो मी।